हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। जैसे कि हमारा चैनल जो है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कराता है। आज हम यहाँ पे आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन करा रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के प्रिपरेशन करा रहे हैं। मेरा पेपर क्या है? मेरा पेपर जनरल इंग्लिश का है, जो कि मैं आपको तैयार करवा रही हूँ, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो जनरल इंग्लिश की तैयारी के लिए मैं कुछ वोकेबलरीज लेके आई हूँ, वोकेबलरी लेके आई हूँ। जिस इस वोकेबलरी मतलब ये नहीं समझना कि सिर्फ वर्ड मीनिंग होगा, इसमें सब कुछ है। इस तरह से वोकेबलरी करके ही पार्ट लिखा रहता है और उसमें चीज़ें कई सारी आ जाती हैं, लाइक स्पेलिंग एरर आ जाता है, एनालॉजी आ जाता है, आपके जो ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं वो आ जाते हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं और सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको आती हैं। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी कि इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं वो आपको कैसी लगी? कई बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया है और कुछ बच्चे सिर्फ देख के ही आगे बढ़ गए हैं, उन्हें अच्छा लगा कि नहीं लगा, कि क्या प्रॉब्लम हुई वो उन्होंने नहीं बताया है। सो आई वॉन्ट कि सभी बच्चे मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा और आपको और उसमें क्या चीज़ें चाहिए। एंड यस, मैंने किसी एक बच्चे का कमेंट देखा था, उन्होंने बोला कि मैम सारे टॉपिक्स को एक एक करके पहले पढ़ा दीजिए, उसके बाद हमें ये समझ में आएगा, समझ में नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारा जो ऐप है टारगेट गुरुकुल का, तो टारगेट गुरुकुल के ऐप को अगर आप परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसमें आप नोट्स वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन वे में बताया है। वहाँ पे वीडियोस भी अगर आप एक कोई सीरीज़ जो भी है परचेज़ कर लेते हैं तो वो वहाँ पे वीडियोस भी सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा प्ले लिस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट में भी मैंने कई सारे वीडियोज़ एक्सप्लेन वे में डाले हैं, कई टॉपिक्स को वहाँ एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से भी आप जो हर एक टॉपिक का जो एक्सप्लेन वीडियो है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि हम हर एक वीडियो का पूरा प्रॉपर वीडियो बनाएं, हर एक सॉरी टॉपिक का प्रॉपर वीडियो बनाएं, उसको इस तरह से समझें, हमारे पास टाइम जो है ना वो स्मार्ट स्टडी करने का है, क्विक स्टडी करने का है, ठीक है। हमें फटाफट ऐसा तैयारी करना है जिससे कि हमारी जल्दी तैयारी हो सके। तो यहाँ मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आप उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जो जिसे आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी, आप पक्का एंट्रेंस में अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जनरल इंग्लिश का पेपर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स वुड बेस्ट कम्प्लीट द गिवन रिलेशनशिप्स? आप रिलेशनशिप्स बता रहे हैं, तो मैंने बताया जब रिलेशनशिप्स आता है तो वहाँ क्या क्वेश्चन बनता है हमारा? एनालॉजी का क्वेश्चन बनता है। एनालॉजी मतलब देखिए एक यहाँ कुछ रिलेशन है वो देखना है आपको और इस साइड कोई रिलेशन है उसे देखना है, उन दोनों रिलेशन को थोड़ा इक्वल रखना है, ठीक है। दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या है देखते हैं, पैराफर्नेलिया इज़ टू रेशियो इक्विपमेंट। तो पैराफेलिया क्या है? वो इक्विपमेंट के बराबर है। तो मैं आपको बता दूँ पैराफेरनेलिया मतलब ही इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट मतलब जो भी टूल्स यूज़ होते हैं, स्पेशल काइंड के टूल्स होते हैं, जैसे हम जो टूल्स हम सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं वो हम वेल्डिंग या किसी और घर बनाने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, स्पेशल टूल्स लगते हैं हर एक अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उसे पैराफेरनेलिया कहते हैं, जो जिसका मीनिंग क्या हो गया? इक्विपमेंट। तो आप कह सकते हैं सिनोनिम है या एक तरह से वर्ड मीनिंग है, ठीक है। तो सिनोनिम है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सिनोनिम ही होना चाहिए या वर्ड मीनिंग की तरह कुछ होना चाहिए, राइट। और सेकेंड थिंग, पैराफेरनेलिया भी नाउन है, इक्विपमेंट भी हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ नाउन है, तो देखो जब एक साइड नाउन होता है तो हमें दूसरे साइड भी नाउन आएगा, इतना तो पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है। ये पहला है कि हमें इस तरह से आंसर का पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ नाउन आ रहा है तो यहाँ भी कोई वर्ड जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन भी हमारे यहाँ नाउन है, ठीक है। देखते हैं, जार्गन, लैंग्वेज, लिटरेसी एंड लिंग्विस्टिक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आता है जार्गन। जार्गन मतलब भी क्या होता है? एक्सप्रेशंस होता है, स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशन, ठीक है। जब हम कुछ स्पेशल वर्ड्स स्पेशल एक्सप्रेशंस शो करते हैं उसे जार्गन कहा जाता है, ठीक है। और इस टू एक्सप्रेशन मतलब सिनोनिम हो गए दोनों वर्ड, ठीक है। बाकी लैंग्वेज, लिटरेसी या लिंग्विस्टिक्स से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज जार्गन।
सेकेंड, विच ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स वुड बेस्ट कम्प्लीट द गिवन रिलेशनशिप्स. अगेन यहाँ रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, इट मीन्स क्या है, एनालॉजी है, हमें यहाँ एनालॉजी ही देखना है. सो देख लेते हैं. केमिस्ट डैश इज टू आर्किटेक्ट प्रोट्रैक्टर. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आर्किटेक्ट प्रोट्रैक्टर, मतलब कि जो आर्किटेक्ट है, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, जो बनाते हैं बिल्डिंग या देखते हैं कि कहाँ पे क्या डिज़ाइन बनेगी इस तरीके से बिल्डिंग की, तो वो क्या यूज़ करते हैं, वो प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हैं ना, एक टूल टाइप है, उसे यूज़ करते हैं जो कि उनके इस जॉब को हेल्प करता है, राइट. सो केमिस्ट जो है, केमिस्ट वो क्या करता है, इनमें से किस चीज़ को यूज़ करता होगा, स्टेथोस्कोप, नहीं ये तो डॉक्टर यूज़ करता है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, हाँ ये हो सकता है, टेम्पलेट्स नहीं यूज़ करेगा, रूलर ज़रूरत नहीं है उसको, ट्यूब क्या है, ट्यूब होता है ना जैसे आप ब्लड जैसे टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो ब्लड निकाल के किसी एक छोटे से ट्यूब में रख लेता है, जो ग्लास का कांच का ट्यूब होता है ना, तो इस तरीके से कुछ ट्यूब है जो कि लिक्विड जिसमें कंटेन करते रखते हैं, ठीक है. तो केमिस्ट यही तो काम करता है ना, वहाँ पे आपका ब्लड चेक करेगा, आपका यूरिन चेक करेगा, स्टूल चेक करेगा, जो भी ये सारी चीज़ें हैं उसका सैंपल किस में रखता है, एक ट्यूब पे रखता है. तो ये इसका जो यूज़ का जो यहाँ पे उसका जो टूल बनेगा वो क्या है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ठीक है. सो इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है, इसी तरीके से देखिए समझना है कि इधर और इधर जो है ना बैलेंस रखना है, तो जो इधर इधर का रिलेशन है इस साइड का, वही रिलेशन, सॉरी वही रिलेशन इस साइड का होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स पिक आउट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम और फ्रेजेस. तो यहाँ पे ईडियम दिया हुआ है, कट समवन सम स्लैक. इसका मतलब क्या है, कट समवन सम स्लैक का मीनिंग क्या होता है, कि किसी को भी मतलब कि कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है, या कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए किसी को, एक बार में ही देख के किसी को इस तरह से नहीं समझना चाहिए, या किसी के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि हम उसके खिलाफ हो जाएं या उसके लिए कुछ भी माइंड में इस तरह से बैठा लें. तो कट समवन सम स्लैक का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टॉप बीइंग क्रिटिकल ऑफ समवन. किसी के लिए इतना क्रिटिकल मत हो, किसी को इतना ज़्यादा एनालाइज ना करो, उसे जज मत करो, यार ये तो ऐसा होगा, नहीं नहीं वो ऐसा होगा, इस तरीके से हम बोलते हैं ना किसी को देख के. अभी हम उसको जानते नहीं हैं, उसको पहले से ही उसके बारे में बहुत सारा एनालिसिस कर लेते हैं, प्रेडिक्शन कर लेते हैं, तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए. या इस ईडियम का मतलब ये है, कट समवन सम स्लैक, मतलब स्टॉप बीइंग क्रिटिकल ऑफ समवन. किसी के लिए जजमेंटल मत बनिए जब तक आप उसे अच्छे से जानते नहीं हैं, ठीक है. तो इसका आंसर ए होगा. फोर्थ, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स पिक आउट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स. ये यहाँ पे भी वही है, मीनिंग बताना है. गो विदाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बिना, गो विदाउट है ना, तो इसका क्या इसका मीनिंग होता है, तो मैं आपको बता दूँ, इसका मीनिंग होता है सफर डेप्रीवेशन. डेप्रीवेशन मतलब वंचित रहना, ठीक है, वंचित रहना समझ रहे हैं. सो लाइक मैनेज विदाउट समथिंग वन यूजली हैज, मतलब कि किसी चीज़ से वंचित रहना. जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत दिनों से सोई नहीं, ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए मैं बहुत दिनों से सोई नहीं, है ना, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, आई गो विदाउट स्लीप. मैं क्या बोलूँगी, आई गो विदाउट स्लीप, मतलब मैंने सफ़र किया, मैं नींद से वंचित रही, ठीक है, इतने दिनों तक सक्सेस पाने के लिए मैं उससे जो स्लीप है उससे वंचित रही. तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, लाइक आई गो विदाउट स्लीप फॉर द सक्सेस इन एग्जामिनेशन, टू गेट सक्सेस इन एग्जामिनेशन, ठीक है. तो इस तरीके से इसे का यूज़ होता है. तो गो विदाउट मतलब होता है समथिंग, किसी चीज़ को, लाइक गो विदाउट स्लीप, ठीक है, गो विदाउट मनी, तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सफर डिप्रीवेशन, राइट. इसे लर्न करना पड़ेगा आपको, लर्न कर लेना, वैसे भी मीनिंग समझ लेंगे तो जैसे ही आंखों के सामने आएगा ना तुरंत दिमाग माइंड पे क्लिक होगा कि अच्छा मैम ने तो ये बताया था, है ना. ओके, फिफ्थ, सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली. इसमें क्या है, आपको स्पेलिंग एरर फाइंड आउट करना है. स्पेल्ड करेक्टली मतलब स्पेलिंग एरर है, तो यहाँ पे जिस जो करेक्ट है वो ढूंढना है. तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, इंडिस्पेंसेबल, ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है. नेक्स्ट इज, सेलेक्ट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली. यहाँ पे भी करेक्टली वाला ढूंढना है. मिलेनियम, मिलेनियम का जो स्पेलिंग है वो होता है MILLENIUM, मिलेनियम, ठीक है.
नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ रॉन्गली स्पेल्ड. आप देखो यहाँ करेक्टली पूछो तो यहाँ रॉन्गली, जल्दीबाजी में इसे भी करेक्टली वाला समझ के आप कभी गलत कर रहे हैं, ढूंढते ही रह जाएं कि कौन सा करेक्ट है क्या है. तो इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना. ओके, सेवेंथ का होगा नॉलेजेबल गलत है, डिसर्निंग सॉरी नॉलेजेबल करेक्ट है, डिसर्निंग रॉन्ग दिख रहा है, सेबिट्यूस सही है और परसिपिकेसियस ये भी सही है. तो डिसर्निंग यहाँ पे हमारा रॉन्ग स्पेलिंग है. ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ रॉन्गली स्पेल्ड. यहाँ पे भी रॉन्ग वाला ही हमें फाइंड आउट करना है. सो रॉन्गली यहाँ पे हमारा हो जाता है एग्जॉटिक, वेनरेबल एंड वल्नरेबल. ये सब सही है. ट्रांसेंडेंट गलत है. ठीक है, ट्रांसेंडेंट गलत है. चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. अ प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब क्या होता है, अब तो प्रूडेंट बहुत कॉमन वर्ड हो गया, प्रूडेंट नाम से स्कूल्स भी हो गए हैं और कोचिंग सेंटर्स भी होते हैं कई. तो क्या मीनिंग होता है इसका, इसका मतलब होता है सगैशियस. सगैशियस मतलब विवेकी, चतुर, स्मार्ट, निम्बल. ठीक है, प्रूडेंट मीन्स होता है राइट. सो आप तो बाकी सब मीनिंग इसका भी आप समझोगे. प्रिसाइज मतलब होता है एकदम सही, जो एक्यूरेट होता है. फुलिश मतलब मूर्ख होता है. प्रैक्टिकल मतलब जो आप कह सकते हैं व्यवहारिक होता है, जो या फिर जो रियल है एक्चुअल फैक्ट्स पे बिलीव करता है ना. तो प्रूडेंट मतलब अगर चतुर है तो इन तीनों से कोई मतलब दिख रहा है क्या? नहीं. सगैशियस इसका सही आंसर है क्योंकि इसका भी मतलब वही होता है, स्मार्ट और इंटेलिजेंट. ठीक है, या निम्बल राइट. नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. गैलीमेंट, गैलीमेंट है इसके आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है. ठीक है, तो गैलीमेंट मीन्स क्या होता है यहाँ पे, गैलीमेंट मतलब होता है ब्रेव. ठीक है, वीर, जो बहादुर होता है राइट. तो यहाँ पे जो इसका आपका मीनिंग आएगा वो होगा मिएंडर राइट. क्यों होगा गैलीमेंट का जो ये आपका आंसर? अच्छा, सो जो इसकी जो गैलीमेंट की मीनिंग होगी वो क्या होगी, सॉरी गैलीमेंट की मीनिंग होता है लाइक किसी से प्यार करना, लगाव रखना या मोहब्बत करना, जैसे आप कहते हो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे है ना. ओके, सो लगावट करना या किसी से प्यार होना या किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, उसे गैलीमेंट कहते हैं. और जो मैंने भी वीर का मीनिंग वो बताया कि वीर होता है वो गैलेंट का मीनिंग होता है, वीर या बहादुर. ठीक है, ये होता है ब्रेव, ये गैलेंट का मीनिंग होता है. तो यहाँ किसी को प्यार मोहब्बत करना या गैलेंट, ये इसकी मीनिंग कुछ मतलब सेट तो हो नहीं रही, हमें तो मीनिंग ढूंढना है. तो मेंडर मतलब भी क्या होता है, प्यार करना, मोहब्बत करना या किसी से लगाव रखना, वो मेंडर का मतलब होता है. तो ये और ये इसका क्या है, मीनिंग है. ठीक है, हैप्पी मीन्स खुश, मौन मतलब शोक. तो ये सब क्या है, ये इसके कहीं से भी मीनिंग नहीं आ रहा है ना, गैलीमेंट मतलब. ओके, नाउ नेक्स्ट इज चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. अब प्लैगियरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने कई जगह देखा है. प्लैगियरिज्म जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो जो प्लैगियरिज्म का मीनिंग होता है तो वो होता है कॉपी करना. जैसे पता है आपको, जैसे शेक्सपियर आपने नाम सुना होगा, शेक्सपियर को एक रॉबर्ट ग्रीन है, थोड़ा सा सिलेबस से बाहर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा. जो रॉबर्ट ग्रीन है वो शेक्सपियर को क्या कहते थे पता था? पता है, प्लैगियरिज्म कहते थे कि ये ना कॉपी करते हैं, ये दूसरों के जो स्टोरी है, नॉवेल्स है, उसके कैरेक्टर्स चुरा लेते हैं या उनकी स्टोरी चुरा लेते हैं, बस अपने कैरेक्टर अलग कर लेंगे या कैरेक्टर्स चुरा लेंगे और अपनी स्टोरी अलग कर देंगे, इस तरीके से करते. तो कुछ ना कुछ ये चीटिंग करते हैं, कॉपी करके ही काम करते हैं. ठीक है, तो प्लैगियरिज्म वर्ड जो है वहीं से आया है, तभी से आया हुआ है. और ये आप लिटरेचर जो पढ़ता होगा उसके लिए ये बहुत कॉमन वर्ड है, उसे पता होगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है बोरो करना. ठीक है, कहीं से ले लेना. ठीक है, हमने वहाँ से ले लिया, उधार ले लिया या वहाँ से उठा लिया, तो कहीं और से ये आइडियाज़ उठा के अपने थोड़े से आइडियाज़ डाल के बना देते हैं कुछ नया, तो होता है कॉपी करना. ठीक है, तो बोरोइंग याद रखिएगा इसका मीनिंग होता है. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन डेजिग्नेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. किसी को किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डेजिग्नेट किया जाता है, मीन्स रखा जाता है. तो ये इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, मतलब एक वर्ड हमें इसके लिए, एक तरह से ये क्या क्वेश्चन है पता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि एक वर्ड में हमें इसका आंसर बताना है. ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमें बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है. तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ईयर मार्क्ड. क्या होता है ईयर मार्क्ड? ईयर मार्क्ड होता है कि
लाइक जो जो भी किसी एक पर्टिकुलर आदमी को हमने किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए रखा है, ठीक है, पर्पज़ पर्टिकुलर पर्पज के लिए रखा है, उसे ईयर मार्क्ड कहते हैं, ठीक है, इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ठीक है, आपको यहाँ से वर्ड ढूंढना है, सेम वही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी है और यहाँ पे आपको उसको ढूंढना है, देखते हैं क्या है। बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म, ठीक है, बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसको सही नहीं किया जा सकता, इसका मतलब जिसकी हैबिट हो चुकी है, जो हैबिचुअल है, ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकॉरिजिबल का मतलब होता है हैबिचुअल, ठीक है, मतलब जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है, जिसकी हैबिट हो गई है, जो सुबह उठ के पढ़ ही नहीं सकता है, है ना, जिसको जल्दी सोने की आदत हो गई है, देर रात तक सोने की आदत है, सुबह तक सोने की आदत है, तो वो क्या हो गए, इनकॉरिजिबल है। अब आप बताओ आप इनकॉरिजिबल हैं कि नहीं, हाँ, सो हैबिचुअल नहीं होना है आपको, ऐसा होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल रहिए, जैसे ज़रूरत हो आपको अपने आप को उस तरह से चेंज करना है, ठीक है। सो बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म का जो वर्ड है, वन वर्ड आएगा, तो वो उसका वन वर्ड क्या होगा, हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, इनकॉरिजिबल, ठीक है, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा इनपरवियस का मतलब होता है कि अनएबल टू बी अफेक्टेड, किसी चीज़ किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है, नॉट अलाउड, जो किसी चीज़ को अलाउ नहीं करता है, और या फिर इसका है कॉरिगेटेड मतलब होता है जो थोड़ा ग्रूवी सा, आपने कोई गत्ता देखा है ऐसा जो थोड़ा सा ऐसे वैसा होता है, लहरदार सा होता है, तो उसको कॉरिगेटेड कहते हैं, जैसे इस तरीके से होते हैं ना कई फोम्स ऐसे होता है, आप अक्सर कार्टन्स वगैरह में देखेंगे, मोबाइल वगैरह या फिर कोई बहुत ही वैसे सोफिस्टिकेटेड चीज़ें इस तरीके की गत्ते में आती है, नीचे देता है कि टूटे वूटे ना, है ना, वो होता है। इनडिसिप्लिन मतलब पता है कि जिसको डिसिप्लिन नहीं है, एकदम इनडिसिप्लिन बच्चे कुछ कुछ होते हैं, है ना। 14 देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। प्रोडिग्यूस, प्रोडिग्यूस के एंटोनिम क्या होते हैं, तो इसके पहले आपको प्रोडिग्यूस का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोडिग्यूस मतलब होता है बहुत बड़ा, महान आदमी, कोई कोई बहुत बड़ा है, जो बहुत महान है, विलक्षण है, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एंटोनिम ढूंढना है हमें, ध्यान रखिएगा, एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, बहुत ध्यान रखना है कि भाई अपोजिट ढूंढना है कि हमें सिनोनिम ढूंढना है। तो यहाँ जो महान है और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल है, जो एकदम ऑर्डनरी है कि नहीं, इसका अपोजिट क्या है हमारा, ऑर्डनरी, सिंपल सा नॉर्मल आदमी, ठीक है। जाइजेंटिक मतलब भी ह्यूज होता है, बिग होता है, इनऑर्डिनेट मतलब भी कुछ एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है, या आप कह सकते हैं स्पेशल होता है, तो ये भी उसी तरह सिनोनिम ही जाएगा। मॉन्स्ट्रस भी होता है, बिग या ह्यूज, है ना, मॉन्स्ट्रस क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं एकदम, तो ये सारे बाकी सिनोनिम्स हैं, दिस वन इज अपोजिट, ठीक है, ऑर्डिनरी। नाउ सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसमें क्या है, इसमें भी आपको एंटोनिम ढूंढना है। इम्पिश, इम्पिश का मतलब होता है नॉटी, जैसे आपके छोटे भाई बहन बहुत नॉटी होते हैं ना, तो वो क्या है, वो इम्पिश है, तो उसका आपको एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑर्डरली, जो ऑर्डर मानते हैं, जो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन वे में रहते हैं, है ना। सो ये इसका जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे है, राइट। और अगर आप मुझसे पूछें कि मैम बाकी का क्या मीनिंग है, प्लेफुल मतलब जो बहुत खेलना पसंद करते हैं, बहुत शैतान टाइप के होते हैं, और फाइंडिश मतलब भी हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है, इसी तरह की मीनिंग है इसका, नहीं फाइंडिश का मतलब होता है क्रूअल, ये तो कहीं से भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, है ना, तो ये तो ना एंटोनिम है ना सिनोनिम है। और रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट मतलब जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये भी कुछ भी नहीं है इसका, तो यही एक सिनोनिम है, ये इसका एंटोनिम। सो करेक्ट आंसर इज ऑर्डरली, राइट। 16, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इसका भी एंटोनिम ढूंढना है, प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का मतलब क्या होता है, प्लेटोनिक का मतलब होता है फिजिकल, ठीक है, लाइक आपको मैं बोलूँ, आपको कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा ये। लव एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, किसी से लव रखना या फ्रेंडशिप रखना, बट सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखना, नो सेक्सुअल रिलेशन, कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं रखना, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, प्लेटोनिक, ठीक है। लव एंड फ्रेंडशिप है, ठीक है, लव है, प्यार है, फ्रेंडशिप भी है, बहुत अच्छे से दोनों साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते फिरते हैं, बट देर इज़ नॉट एनी सच काइंड ऑफ
रिलेशन, किसी का सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, कोई भी फिजिकल वैसा रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब फिजिकल रिलेशन नहीं है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फिजिकल होना, है ना। सो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो भाई ये हमारा शायद लास्ट इक्वेशन, यस दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो। सो ये वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, मुझे बताएं कमेंट करके। और दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये बाकी उसमें भी मैंने इस तरह से क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें से क्वेश्चंस आए हैं, यही फॉर्मेट रहता है। सो बिल्कुल इसकी तैयारी अच्छे से कर लें, इसको बार बार देखें, एकदम अच्छे से लर्न कर लें। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक करना नहीं भूलना है, ओके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।